बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये ट्राई टेस्टेड एंड फेल फॉर्मूला है, ना ये पीछे चला है ना आगे चलेगा। मैं जो गवर्नर इंतजामिया है उस पर सख्ती से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा टीचर पर या किसी, मुझे नहीं मालूम है ये रिपोर्ट सही है या गलत है, अगर सही हुआ तो ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ हम लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए, ये उसमें भी बहुत बड़ा जो है एक इम्पेडिमेंट है, ओवरऑल इन प्रिंसिपल गलत बात है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, जमात इस्लामी का मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक इंट्रोस्पेक्शन है, नजरियाती तौर हम उनके हमारा मेल नहीं बैठता, लेकिन मैंने हमेशा बोला कि हम ग्राउंड पर उनको फाइट करेंगे। अब उनके स्कूल हैं 700 हैं, 800 नाम किया, मैं दिल्ली सरकार को बोलता हूँ कि आप ये देखिए कि अपोजिशन में बैठने के बावजूद कोई पावर नहीं है उनके पास, उन्हें 900 स्कूल खोले हैं, रादर देन आप इनको बंद करिए, आप ये जो ये प्रिंस और प्रिंसेस है जिनको आप पिछले 30 साल से आपने इलेक्शन रिग किए इनके लिए, कत्ल गारत किया इनके लिए कि ये हुकूमत में रहे, इनको पूछिए कि अगर जमात इस्लामी ने अपोजिशन में बैठकर 900 स्कूल खोले, आपने एक स्कूल खोला है, आपका कोई एनजीओ है? उल्टा अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है ये उससे पूछिए उसको कितना देना पड़ता है वो नो ऑब्जेक्शन लाने के लिए। ये इनको अटैक करने से नहीं, वो जो इनके चुनंदे हैं जो पिछले 30 साल से 87 की चोरी जिनके लिए की, 96 की चोरी जिनके लिए की इलेक्शनों में, या 2002 का फिक्स्ड मैच किया, ये उनसे पूछ रहे, इनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा। नेचुरल अलायंस है इनका, दोनों ने जो है स्पेशल स्टेटस जो असेंबली का है इरोड किया है, खत्म किया है, इनका नेचुरल अलायंस है, फांसियां दी हैं तो कट्ठे दी हैं।